Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Vivo U10 और साथ में है Redmi Note 7s। दोस्तों दोनों ही बहुत ही दिग्गज मॉडल हैं अपनी अपनी कंपनी के और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है Vivo U10। ये जाना जाता है अपनी बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग के लिए, वही Note 7s जाना जाता है अपनी बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में और एक नॉर्मल सा कंपैरिजन देखेंगे जिसमें बात होगी इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, साथ ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये फ़ोन मुझे मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेसिक अंतर है दोनों मोबाइल फोन्स में, तो जल्दी से जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे लास्ट में बात करनी है, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi Note 7s। अगर बात करी जाए यहाँ पर सबसे पहले पैकिंग की इसकी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका की फीचर यानी कि 48 मेगापिक्सल AI कैमरा दे रखा है, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वहीं यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिल रही है। MI की बैक सेक्शन की अगर बात करें तो कुछ फीचर्स वगैरह मेंटेन है यहाँ पर, जैसे कि 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा है। स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 6.3 इंचेस की, साथ में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों यहां पर ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये 4GB और 64GB वाला है। साथ ही यहां पर जो खास बात है वो है इसका कलर, यहां पर एकदम आपको आईफोन वाला लुक आने वाला है, यानी कि ये आपका व्हाइट कलर में है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहां पर Vivo U10 की, ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने की फीचर यानी कि इसकी 5000 mAh की बैटरी और साथ में फास्ट चार्जिंग 18W की। वहीं दोस्तों ये फीचर्स आपके बैग पर भी दे रखे हैं और यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, AI ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं जिसे मैंने ऑलरेडी सब सेटअप करके रखा हुआ है ताकि कम से कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाएं। तो दोस्तों दोनों में ही आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बात करी जाए सबसे पहले MI की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ पेपर वर्क वगैरह और साथ में ये केस कवर देखने को मिलता है। बात करी जाए अगर इस केस कवर की, तो दोस्तों काफी ज्यादा एकदम जो है मुलायम सा कवर दे रखा है, यानी कि क्वालिटी में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इस Vivo के, तो यहाँ पर भी आपको केस कवर देखने को मिल जाता है और साथ में देखने को मिल जाता है ये कुछ क्विक यूजर गाइड वगैरह। और यहाँ पर दोस्तों आपकी सिम इजेक्टर पिन होती है और यहाँ पर MI में आपकी सिम इजेक्टर पिन इस सेक्शन में आपको दे रखी होती है, यानी कि सिम इजेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पेपर वर्क, इसे साइड में रखते हैं। कवर की अगर बात करी जाए तो क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड रहती है हर बार की अपेक्षा, हालांकि दोनों में ही आपको कवर ऐसे मिलेंगे कि समय के साथ साथ आपके पीले पड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों अब जल्दी से बात करेंगे इस फोन के बारे में, लेकिन उनको इससे पहले इनको निकाल के साइड में रख लेते हैं और बात करते हैं इनकी एक्सेसरीज के बारे में, चूंकि यहाँ पर आपको एक बेसिक सा माइनर अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इसको निकाल के साइड में रख लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी फिलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर के मेन्यू को कि क्या रहता है यहाँ पर अंदर की सिचुएशन। तो दोस्तों काफी ज्यादा इक्वालिटी आपको यहाँ पर देखने में लगेगी कि अंदर दोनों में ही आपको चार्जर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो MI में चार्जर दे रखा होता है इसकी अगर आउटपुट रेटिंग की बात करी जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 5V 2A की आउटपुट रेटिंग होती है, यानी कि ये चार्जर आपका एक स्टैंडर्ड चार्जर होता है। लेकिन यहाँ पर Vivo में आपको 5V 2A और 9V 2A की दो आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि ये चार्जर आपका फास्ट चार्जर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगा वो अच्छी बात ये है कि MI भी आपका जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर चार्जर आपको एक स्टैंडर्ड दे रखा है, यानी कि अगर आप अपने फोन को फास्ट चार्जिंग देना चाहते हैं तो आपको एक अलग से चार्जर परचेज करना होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको Vivo की तरफ से ऑलरेडी दे रखा गया है चार्जर, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर बात करी जाए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है टाइप सी केबल और Vivo में आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाती है। दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है Vivo की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आपको माइक्रो USB देखने को मिलती है, क्योंकि Y सीरीज में अभी ऐसा ही हुआ था कि फोन तो एकदम तगड़े थे लेकिन वहां पर भी आपको माइक्रो USB देखने को मिली थी, लेकिन MI में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पर आपको टाइप सी दे रखी होती है जो कि काफी ज्यादा बेहतर है माइक्रो USB की तुलना में। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर का ये मेन्यू होता है। अब जल्दी से फटाफट सामान को करते हैं साइड में, उसके बाद बात करेंगे इन फोन्स के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन को कर लिया है सेटअप। अगर बात करी जाए यहाँ पर इन फोन्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को ही काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं स्क्रीन क्वालिटी के मामले में। दोस्तों स्क्रीन साइज की अगर बात करें तो दोस्तों नोट 7S में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वहीं U10 में आपको 6.35 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों में ही आपके IPS पैनल रहते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए दोनों में ही आपको नॉच देखने को मिल जाएगी। नोट 7S की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगा। वहीं अगर बात करी जाए U10 की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा होता है। बात अगर एक बार इसकी साइड की करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट 7S काफी ज्यादा स्लिम बॉडी का आपका होता है। साथ में दोनों में ही आपको जो है पावर बटन और जो है वॉल्यूम रॉकर्स की दे रखी होती है। अपर सेक्शन की बात करें तो नोट 7 में आपको IR सेंसर दे रखा है रिमोट कंट्रोल के लिए, साथ में ही आपको जो है ऑडियो जैक और साथ में एक सेकेंडरी माइक दे रखा होता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर Vivo U10 का ऊपर का हिस्सा एकदम खाली रहता है। बात करें अगर दूसरे साइड की तो दोस्तों यहाँ पर नोट 7S में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रखी होती है क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन Vivo U10 में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बात करी जाए इनके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि बैक सेक्शन के बारे में तो आपको दोनों के ही काफी ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन अगर पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो नोट 7S का जो है बैक व्हाइट पैनल पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहता है। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा नोट 7S में जो कि होता है 48+5 मेगापिक्सल का, और वहीं वीवो में आपको जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं जो कि होता है 13+8+2 मेगापिक्सल का। दोनों में ही नीचे की तरफ आपको जो है LED फ्लैश देखने को मिल जाएंगे और बीच में रहता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। नीचे की तरफ आपको Redmi और Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक बार जल्दी से बात करते हैं इसके नीचे की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है नोट 7S में आपके स्पीकर ग्रिल और साथ में टाइप सी USB पोर्ट दे रखा होता है, वहीं Vivo में आपका ऑडियो जैक माइक और माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दे रखी होती है। तो दोस्तों ये इसका फिजिकल ओवरव्यू रहा। आप जल्दी से एक बार फोन के अंदर चलते हैं और बात करते हैं जाकर यहाँ पर इन दोनों ही फोन्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप UI में डिफरेंसेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों में ही अलग अलग सी थीम देखने को मिल जाएंगी। और एक बार जल्दी से चला जाए इसकी सेटिंग में और बात करी जाए इनके अबाउट फोन में चलकर, तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा इसका अबाउट फोन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है मॉडल वगैरह की डिटेल दे रखी है। साथ ही अगर बात करें नोट 7S की तो दोस्तों यहाँ पर आपको MIUI 10 देखने को मिल जाएगा और Vivo में आपका फन टच OS वर्जन दे रखा होता है। वहीं एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें तो दोस्तों दोनों में ही आपको 9 पाई दे रखा होता है जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही यहाँ पर अगर वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वेरिएंट में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है, हालांकि आप अपने हिसाब से परचेज करेंगे इसे, लेकिन यहाँ पर नोट 7 हमारे पास 464 में है और U10 हमारा पास 332 में है। लेकिन अगर आप चाहें तो U10 को भी आप जो है 464 में परचेज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों CPU की अगर बात करी जाए तो नोट 7S में आपका स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ में Vivo में आपको स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही आपके एवरेज प्रोसेसर रहते हैं, यानी कि प्रोसेसर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बात करी जाए अगर एक बार इनके सिक्योरिटी पैचेस लेवल के बारे में तो दोनों में ही आपको अगस्त के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इसकी बेसिक सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहती है। अब जल्दी से चलते हैं एक बार बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इन दोनों ही फोन्स का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी से करता हूँ एक फोटो को क्लिक और उसके बाद देखेंगे कि क्या रहती है इनकी क्वालिटी। तो दोस्तों नोट 7S की तरफ से कुछ जो है कमाल का होने वाला है यहाँ पर। हालांकि काफी ज्यादा पुराना मॉडल है लेकिन नोट 7S की तरफ से आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि Vivo भी कुछ कम नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर Vivo में आपके कलर फेडनेस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन नोट 7S आपको बहुत ही ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूमिंग क्वालिटी भी नोट 7S में काफी ज्यादा है Vivo की अपेक्षा। हालांकि अभी यहाँ पर जो मैंने नोट 7S से फोटो को क्लिक किया है वो नॉर्मल मोड पे किया है। अगर आप चाहें तो इसे 48 मेगापिक्सल पर भी स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों 48 मेगापिक्सल पर जल्दी से कर लेते हैं फोटो को क्लिक। और यहाँ पर अगर बात करी जाए इनकी जूमिंग क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जूमिंग क्वालिटी और भी ज्यादा कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा आगे निकल जाता है यहाँ पर आपका नोट 7S। तो वहीं अगर Vivo भी पीछे नहीं है, हालांकि ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है, लेकिन नोट 7S की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। एक बार जल्दी से स्विच करते हैं इसको सेल्फी पर और फटाफट करते हैं एक सेल्फी को क्लिक और देखी जाए यहाँ पर इसकी क्वालिटी। तो दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर इनकी क्वालिटीज के बारे में तो दोस्तों दोनों में ही आपको लगभग सेम क्वालिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जूमिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो नोट 7S आपका कहीं ज्यादा बेहतर बैठ रहा है। हालांकि कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोट 7S की क्लियरिटी Vivo U10 से काफी ज्यादा है। हालांकि रेंज भी ज्यादा है नोट 7S की, Vivo U10 काफी ज्यादा सस्ता है उस चीज को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं नोट 7S आपका ज्यादा पसंद आता है। अब अगर एक बार जल्दी से बात करते हैं इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की, जिसे मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही फिंगरप्रिंट को लगाऊंगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नोट 7S काफी ज्यादा फास्ट लगा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी कि वीवो को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई रिकॉग्नाइज करने में, एक बार फिर से इस चीज को देखते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं नोट 7S फास्ट है। तो एक बार फाइनल चेक करते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर फिर से एक बार लगाऊंगा और जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो हालांकि आपकी बार वीवो आगे निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं नोट 7S आपका ज्यादा फास्ट है। हालांकि सिचुएशन का अंतर होता है, कोई डाउट वाली बात नहीं होती है, लेकिन हर बार मुझे नोट 7S की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी है। और दोस्तों अगर एक बार जल्दी से बात करते हैं फेस अनलॉक के बारे में, तो जैसे ही हम अपने फेस की तरफ लाते हैं तो वीवो ने आपका थोड़ा सा जल्दी अनलॉक करा। एक बार फिर से इस चीज को चेक करके देखते हैं तो वीवो फिर से आगे आपका निकल जाता है फेस लॉक के मामले में। एक बार फिर से फाइनल ट्राई करते हैं तो यहाँ पर वीवो की परफॉर्मेंस आपको फेस अनलॉक में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ये बेसिक सा कंपैरिजन रहा। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं इनके पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। अगर बात करी जाए यहाँ पर इनकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो नोट 7S की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर चाहे वो प्राइमरी कैमरे की बात हो या उनके सेल्फी कैमरा की, नोट 7S अपनी एक अलग पहचान बनाता है। हालांकि वीवो भी कुछ कम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी की तो लगभग इक्वल रहती है, साइज की तो वो भी लगभग इक्वल रहता है। लेकिन अगर ग्रिप की अच्छी बात करी जाए तो नोट 7 में आपको ग्रिप बहुत अच्छी आ रही है, और वाइट कलर में तो ये एकदम जो है आपको आईफोन वाला जो है मज़ा देता है। हालांकि डिफर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वेटेड भी है आईफोन की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है वीवो तो थोड़ा ज़्यादा ही जो है वजन का हो जाता है। अब रीज़न जो भी हो, चूँकि इसमें 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन वीवो में एक अच्छी चीज़ आपको ये देखने को मिल जाएगी कि बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर आपको एडिशनली मिल जाता है। हालांकि नोट 7S में अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग देना चाहते हैं तो अलग से आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको एकदम कंप्लीट किट दे रखी होती है, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से कॉस्ट नहीं देनी है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इसकी चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको वीवो में 18 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी। आप इसे सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर लगभग 4.5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं आपका नोट 7S में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक कि आप इसे जो है फास्ट चार्जिंग देने के लिए आपको एक अलग से फास्ट चार्जर लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये नोट 7S का ड्रॉबैक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करी जाए इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में, तो परफॉर्मेंस लगभग इक्वल है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप टॉप क्लास की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में आपका नोट 7S और फेस अनलॉक के मामले में आपका वीवो आगे निकल जाता है। तो मेरे व्यूज़ तो यहाँ पर एकदम क्लियर हैं। हालांकि दोनों ही फ़ोन बेहतर हैं, आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर पर्सनली बताया जाए तो मैं नोट 7S को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, 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 oh